आज मैं आप सभी को हिबिस्कस टी कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगी। ये हिबिस्कस फ्लावर इसे बोलते हैं, यहाँ क्लोजअप से दिखाती हूँ, इसको ऐसे है। और हमें यहाँ से अभी दो तीन पेटल्स ब्रेक कर लेने हैं और उसके बाद हम इसकी टी बनाएंगे फ्रेश। ये देखिए, हमने अभी फ्लावर पेटल्स तोड़ दिए हैं। ये हिबिस्कस फ्लावर है, ये बहुत खूबसूरत होते हैं पिंक कलर के। अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारे तोड़ लिए हैं, कुछ ऐसे भी हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं हम। अभी मैं इसके पोलन को तोड़ूंगी और नीचे ये ग्रीन वाला जो हिस्सा है उसे तोड़ना है, ये हमें यूज़ नहीं करना है। पोलन भी निकाल देना है अच्छे से, हमें खाली ये पेटल्स को ही यूज़ करना है अच्छे से। देखिए मैंने निकाल दिया है, कुछ भी नहीं बचा है पीछे भी। इसी तरह मैं सब में हटा दूंगी। ये होते हैं पोलन जो यूज़ नहीं आते हैं हिबिस्कस टी के लिए। सारे एक एक करके निकाल देंगे एंड उसके बाद मैं पानी में इसको थोड़ी देर के लिए डिप कर दूंगी, जिससे इसके सारे एक्सट्रैक्ट्स निकल के बाहर आ जाएं। और थोड़ी देर बाद उसको हम गर्म करके पी सकते हैं, जिनको ठंडा अच्छा लगता है वो ठंडा भी पी सकता है। मैंने ये लीव्स को अलग कर दिया है और यहाँ पर ये देखिए पोलन, और इसको भी हटा दिया है। अभी मैं इस पानी के अंदर इसको पूरा डालूंगी और थोड़ी देर तक इसको छोड़ दूंगी, जिससे ये पूरा अच्छे से सोक कर ले। एंड फिर उसके बाद मैं इसको गैस पे चढ़ाऊंगी और गर्म कर लूँगी। इसके सारे एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे पानी के अंदर, फिर उसके बाद हम उसको छान के कप में इंजॉय कर सकते हैं। और लेमन भी यूज़ करेंगे, मुझे लेमन का फ्लेवर पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं यूज़ कर रही हूँ, बट आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ देखिए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये। जितनी देर वो बॉईल हो रहा है उतनी देर में हम ये लेमन स्क्वीज कर लेते हैं। मैंने ये दो कप कटिंग वाले, ये मुझे बहुत पसंद है तो इसमें मैं अभी डाल रही हूँ। इसमें लेमन स्क्वीज करके हाफ लेमन इसमें, हाफ लेमन इसमें स्क्वीज करके डाल देंगे। अभी मैं छान रही हूँ अब इसको स्टी को, ये देखिए खूबसूरत सा पिंक कलर आता है। और इसको मैं मिक्स कर देती हूँ क्योंकि ये लेमन डाला हुआ है इसमें। अगर आपको शहद पसंद है तो आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे ही पीती हूँ। ये हिबिस्कस टी है, इसको हिंदी में गुड़हल की चाय भी बोलते हैं। ये हमें वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में हेल्प करता है, लीवर भी अच्छा करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी हमें हेल्प करता है, ये हार्मोन्स को भी अच्छे से डील करता है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी हेल्प करता है और कैंसर जैसे सेल्स जो हमारे बॉडी में बन रहे हैं उसको नहीं बनने देता है। और ये इतना ज़्यादा बेनिफिट है कि आप ये ब्लड प्रेशर जिनको बहुत ज़्यादा है वो पिएं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, इट्स वेरी बेनिफिशियल। तो ये इंजॉय करिए, जिन लोगों को ये सारी बीमारी है उसे छुटकारा पाने के लिए हिबिस्कस टी।